नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारा बुल ट्रेडर्स करके YouTube चैनल है। आप इसको विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे जो सारे वीडियो अपलोडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो। इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस प्लस में लाइव ट्रेडिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो मिल जाएंगे। तो एक बार आप चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देख सकते हो। और बात की जाए टेलीग्राम की, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल एंड जेन्यून इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। जैसे कि आपने आज का टॉपिक थंबनेल में पढ़ा होगा कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, सेबी क्या करना चाहता है, मतलब NSE का क्या सर्कुलर आया है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि NSE का जो 26 मार्च 2021 को एक सर्कुलर आया है जो 5 तारीख से इफेक्टिव हो जाएगा, उसमें क्या एडवांटेजेस रहेंगे और क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे, सारी बातें हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि मार्केट में हम कौन सी चीज़ें देख के ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन। उसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं दोस्तों कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग की जाती है, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग की जाती है। तो मेन जो अहम पोर्शन होता है ट्रेडिंग का, वहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही देखा जाता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही डिमांड एंड सप्लाई बोला जाता है। तो मार्केट में अगर डिमांड है, सप्लाई है, तो ही वहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है, तभी मार्केट वहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। तो NSE का जो नया सर्कुलर आया है, इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, यहाँ पे देख सकते हो 26 मार्च 2021 के आसपास ये सर्कुलर आ चुका है। तो उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि अगर आप ज़्यादा ऑर्डर मॉडिफाई या कैंसिलेशन करते हो, तो वहाँ पे आपको पेनल्टी हो सकती है या आपके साथ अकाउंट के साथ कुछ बैन वगैरह सिस्टम हो सकती है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। इसका सब्जेक्ट देख सकते हो, ऑर्डर बेस्ड सर्वेलेंस मेजर परसिस्टेंट नॉइज़ क्रिएटर। मतलब जो लोग मार्केट में बिना काम के मतलब फेक ऑर्डर डालते हैं या फेक डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करते हैं, या बार बार ऑर्डर को मॉडिफिकेशन या कैंसिल करते हैं, तो उनके ऊपर ये रूल आने वाला है, मतलब उनको ये रूल इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, जहाँ पे देख सकते हो हाई ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो। अभी तक ये कितना रेशियो है, क्या है परसेंटेज में, हमें पता नहीं चला है, जब आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन उसमें क्या क्या टर्म्स हो सकती है, वैल्यू ऑफ ऑर्डर एंटर्ड, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन इन सिक्योरिटी। उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है कि हाई नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ ऑर्डर मॉडिफिकेशन। अब ये NSE के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है गवर्नमेंट की तरफ से, आप पढ़ सकते हो वहाँ पे जाके। लेकिन जो चीज़ें मैं समझाऊँ आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर बार बार ऑर्डर को आप मॉडिफाई करते हो, कैंसिल करते हो, तो आपके ऊपर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। बात की जाए अगर डिसएडवांटेजेस की, तो ये इन्होंने कहा है कि 20 डेज जो ट्रेडिंग के रहते हैं हर महीने में, वहाँ पे आपका अकाउंट मॉनिटर किया जाएगा। अगर बार बार आप अगर ये चीज़ आप करते हो, मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन सारी चीज़ें बार बार करते हो, तो फर्स्ट इंस्टेंस में आपका अकाउंट 15 मिनट के लिए डिसेबल किया जाएगा, मतलब आप 15 मिनट तक ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। सेकेंड टाइम अगर ऐसा होता है आपकी तरफ से, तो 30 मिनट के लिए आपका अकाउंट बैन किया जाएगा, 30 मिनट तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। वाइस वर्सा देखा जाए, अगर ये 10 बार करते हो आप, तो आपका अकाउंट 2 घंटे तक भी बंद हो सकता है, वहाँ पे आपका अकाउंट 2 घंटे तक भी बैन किया जा सकता है। उसी के साथ साथ और कुछ चीज़ें आने वाली है आने वाले टाइम में, अगर हमारे आने वाले टाइम में अगर ये अपडेट हो जाता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। देख सकते हो ये इफेक्टिवली फ्रॉम 5 अप्रैल 2022, मतलब 5 अप्रैल से ये इफेक्टिव होने वाला है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज की बात की जाए, तो जो HFT होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर होते हैं, HNI होते हैं, FII होते हैं, DII होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, उनका ऑर्डर का लॉट साइज रहेगा या ऑर्डर साइज रहेगी वो बड़ा होता है हमसे। तो अगर वो कहीं पे ऑर्डर डाल देते हैं, तो वहाँ पे वो मॉडिफाई करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ साथ जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर मॉडिफिकेशन रह गए या जो नंबर है कॉन्ट्रैक्ट का वो ज़्यादा होने के कारण, वहाँ पे हमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर ये बैन हो जाता है, मतलब बार बार ऑर्डर मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन 5 अप्रैल से अगर ये हो जाता है इम्प्लांट, तो वहाँ पे हमें मार्केट में लिक्विडिटी का इशू देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट में लिक्विडिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर बड़े ट्रेडर मार्केट में वोलेटिलिटी हो गई, ट्रेंड हो गए, सारी चीज़ें बड़े ट्रेडर लाते, अगर वही ट्रेडिंग करने के लिए उनको रोक दिया जाएगा, तो वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू आ जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपीज़ में खरीदा है और आप उसको 150 रुपये में बेचना चाहते हो, तो आप उसको 150 रुपये में कब बेच सकते हो? अगर कोई बायर 150 रुपये पे बिड लगा रहा है, तभी आप उसको सेल कर सकते हो, नहीं तो नहीं सेल कर सकते हो। अगर ये सेल के लिए अगर प्राइस 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है,
तो आप पहले से 150 के ऊपर लगा दिए और वो ऑर्डर अगर बार बार मॉडिफाई कैंसिल कर दिए तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। इसलिए अगर ये रूल इम्प्लांट हो जाता है तो लिक्विडिटी ड्राई अप होने का भी खतरा मार्केट के ऊपर बरकरार है। तो देखते हैं आगे फर्दर क्या नोटिफिकेशन मिलती है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए एडवांटेजेस की, तो ये रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छा रूल है और उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से लेवल पे बायर बैठे हुए हैं, कौन से लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं। क्योंकि 5 अप्रैल से ये अगर कैंसिल हो जाता है फेक डिमांड एंड सप्लाई जोन, तो वहाँ पे आपको एक 70 मोर देन 70% आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे जेन्यून बायर है या जेन्यून सेलर है। तो ये एक रिटेल ट्रेडर के फेवर में हो सकता है। लेकिन अगर आप नए ट्रेडर हो और बार बार ऑर्डर कर डालते हो सिस्टम के अंदर, और बिगिनर के साथ ये इशू होता है कि वो ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, तो उनके वजह से बहुत बार ऑर्डर मॉडिफाई करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है। और एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि ब्रैकेट ऑर्डर में कितने ऑर्डर होते हैं एक साथ। ब्रैकेट ऑर्डर में 3 ऑर्डर एक साथ प्लेस होते हैं, जैसे कि एक परचेसिंग प्राइस हो गया, स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट हो गया। तो उसमें से कोई भी अगर एक चीज़ अचीव हो जाती है, मान लेते हैं कि टारगेट मिलता है, तो बाकी के 2 ऑर्डर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाते हैं। तो एनएसए की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि ऐसे जो कैंसिल ऑर्डर होते हैं वो काउंट हो गए या नहीं हो गए, ट्रेलिंग एसएल काउंट होगा या नहीं होगा। फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन एनएसए की तरफ से आ जाएगी तो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।